इंट्राडे टेक मुंबई में आपका कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत स्वागत है। जिसके पास 33 रुपये का खरीदारी है, जिनके पास 32 रुपये की खरीदारी है, जिनके पास 30 रुपये की खरीदारी है, अगर वो बेचते हैं आज के डेट में तो नुकसान है। कल हमने कहा था कि आप लोग जिनकी खरीदारी है 21 रुपया, 22 रुपया, 23 रुपया, 33 रुपया जब गया था उस समय इंतज़ार करने के लिए कहे थे बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। अब उनके लिए जो 20-21 22 रुपया किए थे तो कल बेचने के लिए बेचकर प्रॉफिट बुक किए, अभी कितना है 28 रुपया 30-40 पैसे। अगर 27.5 रुपया चला जाता है और 27 रुपये से नीचे जाता है तो खरीदारी वहीं से शुरू करना है, ठीक है। लेकिन जो 33 रुपया 32-33 रुपया जो खरीदे हैं और उस समय हमारी जो राय थी कि इंतज़ार करना है प्रॉफिट बुक करने के बाद, IRFC शेयरधारकों के लिए ये वीडियो जिनके पास भी है। और ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इमोशंस नहीं चलता दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पेशेंस, डिसिप्लिन और वेट एंड वॉच और एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है। कोई भी 2 साल में ऐसा IRFC का कोई वीडियो हमें बता दीजिए जिसमें हमने कहा नहीं था या कहा नहीं है कि ये लंबे समय का घोड़ा है दोस्तों। और लंबे समय के लिए जो लिए हैं ये तो उनके लिए जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, जो लंबे समय के लिए लिए हैं उनको एक ही स्ट्रेटेजी, आज सब बातों का एक बात और याद कर लीजिए, जो नए लोग हैं उनको ये मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि IRFC के शेयरधारक ये गांठ मान लीजिए ये लंबे समय के लिए है, कम से कम 3 साल, उसके बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल तक, 2036 तक, कितना तक, 2036 तक, 2021 से 15 साल, 2036 तक का स्टॉक इसको मान के चलिए। और जिस प्राइस में, आज याद कर लीजिए दोस्तों, हर वीडियो में मैंने बोला है जिस प्राइस पर खरीदे हैं अगर उस प्राइस से कम होता है तो ज़रूर खरीदारी कीजिए, क्योंकि आपका जो एवरेज है एक समय में 13 रुपया, 14 रुपया, हो सकता है 10 रुपया का एवरेज आ जाए, ये भी जान लीजिए। और स्टॉक मार्केट में जैसे कि विप्रो इंडिया, जैसे कि बजाज फाइनेंस, जैसे कि आइसर मोटर और जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, जैसे कि TTK प्रेस्टीज और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो आपको करोड़पति बनाता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, ये कोई 52 पत्ती का वो खेल नहीं है जो जुआ होता है ना दोस्तों गांव में, पेड़ पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे गर्मी के दिन, अभी गर्मी आ रहे हैं गांव में देखेंगे जुआ खेलते हैं, वो 3 पत्ती कोई खेलता है, कोई 2 पत्ती खुलता है, अंदर बाहर खेलता है, तो ये स्टॉक मार्केट में जुआ नहीं होता दोस्तों, ये एक बिजनेस है। और किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले आपको प्रॉफिट होता है, आपका नुकसान होता है, पैसा आपका है, आपको 100% अपने एनालिसिस अपने जरूर करना चाहिए। और किसी के कहने पे, किसी के बताने से कोई शेयर खरीदते हैं प्रॉफिट होता है तो कोई दे नहीं देता दोस्तों, ना हम दे ले लेंगे और ना आप दे देंगे, कोई नहीं देगा ना कोई लेता है। रह गई क्या कि हाँ, अगर ये कोई कह दे कि ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म का ये स्टॉक है, तो हमें फिर बताइए दोस्तों, आपका हित की बात करता हूँ, आप लंबे समय के लिए लेते रहिए, इसलिए
कि जिस दिन आपको आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो भी करोड़ों रुपए कमाए हैं कितने सालों में, कौन कौन सा स्टॉक कितने साल में, आज किसी भी चर्चा करते कितने भी एनालिसिस और डिटेल्स बताते हैं तो पता चलता है दोस्तों। तो उठा लीजिए माल, IRFC अब मौका नहीं मिलेगा, जितना नीचे गिरे उतना और उठाइए दोस्तों। पेशेंस, कीप पेशेंस, धैर्य रखिए, बर्दाश्त कीजिए, यही एक दिन जो कहावत भोजपुरी में सबर के फल, सबर का फल मीठा होता है दोस्तों, जो इंतज़ार करता है उसको ही स्टॉक मार्केट पैसा कमाता है, वो तो देखता है कौन कितने पानी में है दोस्तों। गिद्ध बैठे हुए हैं, गिद्ध ऊपर दो, एक हमारा वीडियो है उसमें ज़रूर आप देखिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, नहीं जानते तो आप नए शेयरधारक जो आए हैं सुन लीजिए। दो गिद्ध निकल चुके हैं IRFC के और वो इंतज़ार कर रहे हैं, कितने लोग डर के मारे बेच रहे हैं, नुकसान भी करते हैं लोग, नुकसान में भी बेच के चले जाते हैं, हम भी एक दिन ऐसा करते थे, लेकिन यही एक साल पहले की बात है, 26 रुपया खरीद कर लोग 20 रुपया, 21 रुपया, 20 रुपया, 80 पैसा चला गया था, ये 21 रुपया चला गया था, डर के बेच गए और फिर 21 रुपया से वो क्या करेंगे, जब 20 रुपया 80 पे वहीं से खरीदना शुरू किए, खरीदते 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 30 रुपया तक खरीदे, अगर वो 21 रुपया से खरीदते खरीदते 30 रुपया खरीदता, एवरेज जानते कितना हो गया, अगर हम एक एक शेयर खरीदे 21 रुपया लेके 31 रुपया तक, कितना हो गया जानते हैं, 10 शेयर खरीदे 21 रुपया, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 10 शेयर खरीदे, एवरेज जानते कितना हो गया, लगभग 27.5 रुपया, 33 रुपये में बेच कर, अब वो बेच कर निकल के भाग गया है, अब इंतज़ार कर रहा है कि आप लोग नुकसान करके जाइए। तो स्टॉक मार्केट में पूंजी जितना है आपके पास उसको चार भागों में कभी भी बांट के चलिए, कुछ पैसा जिस स्टॉक को लंबे समय के लिए रखते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट में, रेकरिंग में कुछ पैसा रखा कीजिए, ताकि नीचे गिरेगा तो ज़रूर कुछ ऐसे स्टॉक जो प्रॉफिट दे रहे हैं लेकिन लंबे समय का जो है आपको ये पैसा बनाता है दोस्तों। इंट्राडेटेक मुंबई MBA BK सिंह का प्रण है, किसी भी स्टॉक धारक को कभी भी नुकसान अगर हो गया मेरे द्वारा उस दिन आप बता दें, ये बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, आज लिए जुआ है, चले जाइए रेस हॉर्स कोर्स में, रेस हॉर्स कोर्स होता है मुंबई में, होता है पुणे में, होता है बेंगलोर में, होता है, कौन घोड़ा जीतेगा आज मिनटों घंटों में, चले जाइए कैसिनो में अगर ऐसा सोचते हैं तो, ये स्टॉक मार्केट है, पेशेंस की पेशेंस नहीं है तो लोन पे लेकर क्रेडिट कार्ड से खरीदने वाले इंट्राडेटेक मुंबई MBA के सी जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स को पेट्रोल पंप पे भजा कर किसी दोस्त मित्रों को सामान परचेज करके कैश स्वीप करके कार्ड किसी कोई परसेंटेज में स्वीप करके पैसा लेते हैं क्रेडिट कार्ड से और स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वो अपने आप पे तरस खाइए। जो लोग लोन लेकर स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको एक दिन रोना पड़ेगा, और ये बार बार कहते हैं दोस्तों, और ऐसे लोग ही कमेंट करते हैं, सोचते हैं कि आज लगाए और कल पा जाए, ये स्टॉक मार्केट है, जो नुकसान नहीं करेगा उसको प्रॉफिट भी नहीं होता है दोस्तों। किसी भी चीज़ को आज हम बात कर रहे हैं, जिस ये चश्मा है ना, ये चश्मा जो आज चश्मा कहलाता है, इसमें कितने फाइबर, कितने प्लास्टिक और कितने कांच का, ये कांच भी है, फाइबर भी है, प्लास्टिक भी है, तो ये कांच, फाइबर और प्लास्टिक जानते हैं, और इसमें एक स्क्रू पेंच भी रहता है, ये स्क्रू पेंच कैसे बना जानते हैं, आज हम बताते हैं। कांच, प्लास्टिक और फाइबर आग में इसको डाला गया, जला, तपा, गल गया, पिघल गया, और जब तक स्टॉक मार्केट हो या किसी भी
क्षेत्र में आप महारत हासिल नहीं करेंगे, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप तपेंगे नहीं, जलेंगे नहीं और गलेंगे नहीं, तब तक आकार नहीं पाएंगे। दोस्तों कितना बड़ा नुकसान हुआ इसको, आज फिर तब जाकर एम बी ए बी के सिंह इस चश्मे को, ये कहाँ कहाँ जला है, कहाँ कहाँ ये चश्मा किस किस आग से होके आया, तब हमारी आंखों पे आज मेरी रक्षा भी कर रहा है और मेरा ये उपकार कर रहा है, ये मेरा सहयोग कर रहा है, मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा है, ये दूसरों के लिए कर रहा है। दोस्तों तो आज स्टॉक मार्केट में जब तक आप बार बार कहते हैं कि किसी के कहने पे, किसी के बताने पे, अगर बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप अपना एनालिसिस कीजिए ना दोस्त, आप अपना अपना एनालिसिस कीजिए और आप अपने जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाए, किसी जगह पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पैसा कोई भी लगाता है बहुत कुछ देखने के बाद, एक सप्ताह में 3 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू आया नीचे डाउन में, खरीद बिक्री, कोई बेचा, कोई खरीदा, कोई बेचा, 2 लोग ऊपर बैठे हुए हैं, गिद्ध, गिद्ध जानते हैं ना, गिद्ध नज़र बैठा के दिखा है कहाँ पे जा रहा है, कब 27 रुपये से नीचे जाता है IRFC। अगर आप थक गए, हार गए, बेच के जाएंगे, देखेगा आप नहीं कोई बेचने वाला है, बस वहीं पे फिर चलता रहेगा खेल, ये 1 साल ऐसे चलेगा दोस्तों, और फिर ये आपको 55 रुपये के पार जाएगा। 6 महीना इंतज़ार कीजिए, उसके बाद देखते हैं, इसलिए कि इसको 3 साल होने में कम से कम 10 महीना भी बाकी है, 5 5 10। चलिए तो IRFC जितना नीचे गिरे उतना और खरीदिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। याद रखिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने वाले हमें बहुत प्रिय दोस्त हैं। आई लव यू ऑल ऑफ यू बाय एनी टाइप ऑफ कमेंटेटर। जय हिंद, आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर से मेरी कामना करते दोस्तों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कि लाइक जरूर कीजिए दोस्तों।